यह जरूरी नहीं कि गलती करके ही सीखा जाए, दूसरों की गलती से सीख लेते हुए भी सीखा जा सकता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम हल करेंगे वर्ष 2017 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा आयोजित यूसेट के प्रथम प्रश्न पत्र को। इस प्रश्न पत्र से संबंधित यह भाग दो है। पहले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हल कर लिए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन किया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। उस प्रश्न पत्र में कुल 60 क्वेश्चन थे, प्रथम भाग में 30 क्वेश्चन हल किए हैं। आज के इस द्वितीय भाग में हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60। यदि आप यूसेट परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, इसलिए आप सत्र को धैर्य लगन के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। इससे आप परीक्षा के पैटर्न को समझने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 था, अगर 3162-19619 किसी निश्चित भाषा में बर्दर का कूट है तो उसी भाषा में 4161-54-61-915 निम्न में से किसको प्रदर्शित करेगा। यह कुल मिलाकर रीजनिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर है उसे आप हल करके निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, कंसर्न। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका उत्तर ये क्यों आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इसे समझ पाएंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हम यहां पर हल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से यहां पर हल किया गया है। मैंने यहां पर ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहां पर हम हल करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उसने जो क्वेश्चन बनाया है उसने एक कोड दिया है ब्रदर का, और उसका कोड दिया है उसने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आसानी से आप समझ जाओगे, 3162-19619 ये दिया है, और इसके लिए कोड दिया उसने ब्रदर, यानी BOTHER। अब इसको कैसे हल किया उसने, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। उसने किया क्या है, बी से एक बढ़ा के लिख दिया 3। बी द्वितीय नंबर पर आता है अंकों में, यानी A1 B2 आता है, तो उसने बी को लिख दिया 3। ओ आता है 15वें नंबर पे, तो उसने लिख दिया 16, यानी 16 लिख दिया। टी आता है 20 नंबर पर, उसने लिख दिया उसे 21। एच 8वें नंबर पर आता है, उसने लिख दिया इसे 9। ई आता है 5वें नंबर पर, उसने लिख दिया 6। और उसी प्रकार से R आता है 18वें नंबर पर, उसने लिख दिया 19। तो इस प्रकार से ये ब्रदर का कोड उसने ये लिख दिया। अब इसी प्रकार उसने जो आगे पूछा उसको हम क्वेश्चन में देख लेते हैं ताकि आप उसे समझ पाओगे। अगला उसने पूछा कि 4161-54-61-915 निम्न में से किसको प्रदर्शित करेगा, तो इसका उत्तर होगा कंसर्न। अब ये कंसर्न को कैसे हल कर रहा है यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, आप देख लीजिए ताकि आप इसे समझ जाओगे। कंसर्न यानी CONCERN, और इसका कोड उसने बताया है, देख लेते हैं, 4, उसके बाद बताया उसने 1 6 1 5 4 6 1 9 1 5। अब चेक करते हैं ये कैसे हल हो रहा है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ। इस कलर से यहाँ पे तो इसने सी तीसरे नंबर पर आता है, तो उसने इसको लिख दिया 4। ओ आता है 15 नंबर, उसने लिख दिया 16, यानी इसको 16 लिख दिया। एन आता है 14 नंबर पे, उसने लिख दिया 15। सी तीसरे पर आता है, उसने लिख दिया 4। ई आता है 5 में, उसने लिख दिया 6। आर आता है 18 पे, उसने लिख दिया 19। और एन आता है 14 पे, उसने लिख दिया 15। तो ये इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार जो ये प्रश्न था यानी क्वेश्चन नंबर जो 31 था उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कंसर्न। अगला प्रश्न इसमें था क्वेश्चन नंबर 32, 1 मार्च
2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2022 को, माफ कीजिए, 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन रहा होगा? तो ये कैलेंडर है और इससे संबंधित क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। तो ये आप देख लीजिए, शनिवार इसका उत्तर है। इसके लिए आपको कैलेंडर की तैयारी करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगर किसी निश्चित कूट में सैंड को VDQG कहते हैं, तो BIRD को ELUG कहते हैं, तो LOB यानी लव के लिए क्या कूट होगा? तो इसमें से हम चेक करके बताएंगे कि क्या कूट होगा, उसके बाद हम आंसर को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ेंगे ताकि आप इसे समझने में अच्छे से सक्षम हो पाएंगे। तो देख लेते हैं इसको, आप भी हल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, आप भी उसे हल करिए। तो यहाँ पे ये कट गया है, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे ABCDEFG और इसको हम H मान लेते हैं, H, बाकी सब सही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में उसने पूछा है सैंड को VDQZ यानी सैंड, सैंड को उसने क्या लिखा, SAND, सैंड को उसने लिखा है VD और Q और आगे लिखा उसने G। उसी प्रकार आगे उसने दिया था बर्ड BIRD और इसको उसने क्या लिखा है, उसने लिखा इसको ELUG। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ELUG। अब उसके बाद इसने लिखा लव को क्या कहेंगे, LOVE, तो इसके लिए क्या कूट होगा ये उसने पूछा है। अब चेक करके हम देखते हैं ये कैसे हो रहा है। जैसे इसने यहाँ पे देखा B के बाद E दिखा, ये B है, तो इसने यहाँ पे दो छोड़ दिए, C और D छोड़ा तो E लिख दिया, यानी यहाँ पे दो छोड़ा उसने। यहाँ पहले इसको देख लेते हैं SV वाले को, यानी S के बाद A है यानी सेंड को, तो S का उसने V बनाया, तो S कहाँ पे, ये है, और T और U ये दो छोड़ दिए, यहाँ पे दो का अंतर आ गया। A के बाद D, तो A के बाद D यहाँ पे भी दो का अंतर आ गया। N के बाद Q यानी ये है N और P और Q छोड़ दिए, दो का अंतर आ गया। D के बाद G, E और F छोड़ दिए, दो का अंतर। उसी प्रकार B के बाद E यानी C और D छोड़े, दो का अंतर। I के बाद L यानी G और K छोड़ दिए, दो का अंतर। और R के बाद U यानी S और T उसने छोड़ दिया, और D के बाद G यानी उसने छोड़ दिया E और F को, तो दो का अंतर। उसी प्रकार से L के बाद दो का अंतर, L के बाद आता है MNO, तो O हो जाएगा। O के बाद दो छोड़ेंगे P और Q, तो R हो जाएगा। V के बाद दो छोड़ेंगे तो W और X यानी Y हो जाएगा। E के बाद दो छोड़ेंगे तो हो जाएगा H। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ORYH। तो ये D वाला ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर है। तो मुझे लगता है आप इसे समझने में सक्षम हो पाए होंगे। ऐसे आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे, समझ गए। आगे के प्रश्न पर जाएंगे हम, और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, निम्न श्रेणी को पूरा कीजिए। 240 डॉट डॉट था, 120, 40, 10, 2। तो काफ़ी सरल है, इसका उत्तर 240 है, ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है, 240 को 1 से गुणा करेंगे 240 आएगा, 240 को 2 से भागा किया 120, 120 को 3 से भागा किया 40, 40 को 4 से भागा किया 10, 10 को 5 से भागा किया, 10 को 2 से भागा किया 5। तो ये भी काफ़ी आसान था, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोबारा से, यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा आपका समय 1 मिनट लगेगा, यहाँ पे हम इसे समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो उसने क्या किया था देख लेते हैं। उसने सबसे पहले 220 लिखा है, उसके बाद डॉट डॉट छोड़ा है, फिर 120 लिखा है, डॉट डॉट छोड़ा है,
उसके बाद आगे उसने लिखा है 40, 40 के बाद आगे लिखा उसने 10, उसके बाद लिखा 2। यहाँ का डॉट डॉट नहीं है, ये वाला डॉट डॉट हम हटा देंगे, ये वाला। अब देखिए इसको कैसे उसने हल किया। दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, आसानी से समझ जाओगे उसे, आप समझ चुके होंगे इसको। आप इधर से इधर को भी कर सकते हो या इधर से इधर कर सकते हो। इधर से करोगे तो 2 × 5, 2 × 5 करेंगे तो 2 × 5 = 10, फिर उसके बाद 10 × 4 = 40, यानी 10 × 40, 2 × 5 = 10, और 40 × 3 = 120 होता है, यानी 4 × 3 = 120 होता है। और फिर उसके बाद 120 × 2 = 120 होता है 240, तो यहाँ पे 240 आएगा। फिर 240 × 1 = 220 आएगा, ये आएगा 220, यानी 120 × 2 = 220, ठीक है, 120 × 2 = 240 आएगा। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये वाला 240 था, अभी हम इसे सही कर देंगे, ये 240 है ये, तो 120 × 2 = 240 हो गया, और उसके बाद 240 × 2 = 240, तो उसका उत्तर क्या होगा, 240 ही होगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 240। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप दोबारा अच्छे से उसे हल कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखने में गड़बड़ी कर दी है, तो आप इसे समझने की कोशिश कर लीजिएगा। आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 5 4 3 2 1, इस प्रकार से उसने बनाया है उस सीरीज को। तो कोडिंग डिकोडिंग है, इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर उसने पूछा, निम्न में श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाए। तो ये तो काफ़ी सरल है, ध्यान से देखिए, 3 4 5 6 7, उसके बाद 15 16 17, के बाद 18 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 5 6 7, उसी प्रकार 15 16 17 और 18, तो उत्तर ये हो जाएगा, ये आसान था। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ क्या पूछा है, 3F 6G 11I 18L, तो ये भी काफ़ी सरल है, अंतर आ रहा है यहाँ पर, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 11 है, 11 के बाद 18 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 6 11 3 6 11 18। तो इसमें क्या क्या दिया उसने, एक दिया उसने 3, दूसरा दिया 6, तीसरा दिया 11, फिर दिया 18, और अगला हमने निकालना है। तो 3 और 6 के बीच में है 3 का अंतर, 6 और 11 के बीच है 5 का अंतर, 11 18 के बीच है 7 का अंतर, तो 18 के बाद अगला अंतर क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि ये सम संख्याएं जा रहे हैं, सम नहीं विषम जा रही, तो 3 5 7 9, ये क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, तो यही अंतर वहाँ जा रहा है, 3 5 7 9, तो अगली संख्या आ जाएगी यहाँ पे 27, तो जो वहाँ पे 27 होगा उसका उत्तर हो जाएगा। वहाँ पे 27 में उसने 2 संख्या रखी है, तो इसका उत्तर है 27P, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है, यानी एफ के बाद जी फिर आई एल, एफ के बाद यानी एफ जी आई एल, अंतर वहाँ पर भी आ रहा है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ गया, आप कोशिश करोगे तो एफ के बाद जी है, एफ यहाँ पर है, ये ब्लैक से मैं दिखा देता हूँ आपको, ब्लैक कलर से दिखाएंगे आपको, तो यहाँ आप देख लीजिए, ये आपका एफ है, तो एफ के बाद जी, 1 का अंतर है, उसके बाद एफ के बाद जी है, फिर जो अगली संख्या है वो है जी के बाद आई, तो जी है, जी के बाद आई है, एफ के बाद क्या था, जी था, यानी एफ जी, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, एफ और जी क्या है, 7 हैं, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। फिर जी के बाद आई है, तो एच 1 का अंतर आया, फिर उसके बाद आई के बाद एल है, 2 का अंतर आया, फिर एल के बाद 3 का अंतर आएगा, यानी एम एन ओ छूटे तो पी आएगा, तो इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 27P हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप अच्छे से। उसके बाद एक डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, यहाँ पर पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, आप इसे आसानी से समझ भी पाओगे, ज़्यादा टफ नहीं है, इस क्वेश्चन आते रहते हैं तो समझते हैं। उसने इसमें पूछा था कि
निम्नलिखित तालिका को पढ़िए जो कि साल भर में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन के संबंध में है। सावधानी पूर्वक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये तो काफ़ी आसान है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ वर्ष दिए हैं 85, 86, 87, 88, 89, 90 और फिर योग दिया है। इधर कारों के प्रकार हजार में है, ए बी सी डी ई एफ। आपको इन आंकड़ों को ध्यान से देखना है। 1985 के सभी, 86 के, 87, 88, 89, 90 सभी देखने हैं और उनका योग भी आपको आना चाहिए। तो जैसे हम नीचे क्वेश्चन पर आते हैं, तो पहला क्वेश्चन इसने इसमें पूछा, क्वेश्चन नंबर 37, सभी प्रकार की कारों का सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष रहा। तो सभी प्रकार के जो कार हैं उनका उत्पादन किस वर्ष रहा, तो हमें जोड़ना पड़ेगा इन सबको। जैसे 1985 के सभी जोड़े, 86 के सभी जोड़े, 87 के सभी जोड़े, 88 के सभी जोड़े, 89 के सभी जोड़े, 90 के सभी जोड़े, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1989। इन सबको जोड़ने के बाद सबसे अधिक संख्या आ रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1989। तो ये आप देख लीजिए, 1989 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप जोड़ के देख सकते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो 190, 95, 140, 160, 136, 140 ये सबसे अधिक हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इसमें, किस प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिवर्ष बड़ा है, बी ई डी एफ। तो किसका बड़ा है, जिनकी संख्या बढ़ते हुए क्रम में होंगे यानी आरोही क्रम में, तो 240, 60, 200 घट रहा है, 60, 90, 75 घट रहा है, 100, 100, 200, 230, 140 घट गया, 75, 36, 48 घट गया, 90, 91, 108, 120, 136, 138, 683 ये बड़ा है। तो ई नंबर के जो कार है, ई प्रकार के जो कार है उनका बड़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, क्वेश्चन नंबर 38 का ई है, तो यानी बी, कुल मिला के ई प्रकार के जो कार है ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है समझने में आप सक्षम हो गए होंगे। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस वर्ष सी प्रकार की कारों का उत्पादन उनके उत्पादन के सभी वर्षों के औसत आधार पर सबसे करीब था। तो सी प्रकार की कारों का उत्पादन उनके उत्पादन के सभी वर्षों के औसत आधार पर सबसे करीब था। आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 1989। आप इसे चेक करेंगे तो 1989 वाला जो, यानी ये वाला आप देखेंगे ध्यान से, तो जो सी प्रकार के कार हैं, ये हैं सी प्रकार के कार, तो उसके बाद आप इसे जब ध्यान से देखेंगे तो आप इसका उत्तर प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। तो निम्न में से किस वर्ष सी प्रकार की कारों का उत्पादन उनके उत्पादन के सभी वर्षों के औसत आधार पर सबसे करीब था। औसत, जब आप एवरेज निकालोगे सभी वर्षों के उत्पादन का, तो उसके आधार पर सबसे करीब 1989 में था, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको औसत, प्रतिशत, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन आने चाहिए। अगला क्वेश्चन था, डी प्रकार की कारों का उत्पादन किन वर्षों में 100,000 के करीब था, 87, 88, 86, 87, 85, 86, 88, 89। डी प्रकार के कार हमें देखना पड़ेगा कि डी प्रकार के कार कौन से हैं। तो यह है डी प्रकार के कार, तो 85, 86 ये हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 100 के करीब नहीं जा रहा है। 48 और 50 ये लगभग 98 हो रहा, तो 100,000 के करीब है। 87 और 88 के दोनों को जोड़कर हो रहा है 48 और 50 को जोड़ेंगे तो 98, 160 और 180 ऊपर जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा 1987 और 88 जिस ऑप्शन में लिखा है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो 1987 88 ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन इसमें होगा फिर हम उसे हल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। इससे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा क्वेश्चन को हल करने का, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन्हें आप हल किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसे समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये थोड़ा सा खुल रहा है अगला जो क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसे और हल करेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें था क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर पूछा था 1985 में, यहाँ पर थोड़ा भाषा प्रश्न की अलग से हुई है, 1985-86 में ए प्रकार की कारों का कुल उत्पादन
पिछले 6 सालों में इस प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, जो ए प्रकार की कार हैं। तो ये हैं ए प्रकार की कार, इसमें पूछा है 1985-86 में ए प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, पिछले 6 सालों में इस प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 44%। तो इसके लिए आपको प्रतिशत की भी तैयारी करनी पड़ेगी इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा संचरण माध्यम विद्युत तरंगों की जगह प्रकाश तरंगों को संचारित करता है, विद्युत तरंगों की जगह प्रकाश तरंगों को संचारित करता है। इसका उत्तर है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर सी है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर विद्युत तरंगों की जगह प्रकाश तरंगों को संचारित करता है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें था, इंटरनेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल कहलाता है। तो इसे कहते हैं टीसीपी या आईपी, आप इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। टीसीपी का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कहलाता है टीसीपी या आईपी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें था, निम्न में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज व छोटी आकार की स्मृति होती है। सीपीयू यानी जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। तो सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज व छोटी आकार की स्मृति क्या कहलाती है, कैच स्मृति। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा, कैच स्मृति से कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा मुख्य स्मृति के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन था इसमें, निम्न में से कौन मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग प्रचालन तंत्र है, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग प्रचालन तंत्र। इसका उत्तर है यूनिक्स विंडोज। ये यूनिक्स विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा एक भाषा है, यूनिक्स और विंडोज हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और आरेकल एक डेटाबेस है। तो इसका उत्तर है यूनिक्स विंडोज, ये आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग प्रचालन तंत्र है यूनिक्स विंडोज। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पूछा था, निम्न में से कौन सी युक्ति मुद्रित पाठ को सीधे इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है, मुद्रित यानी प्रिंटेड पाठ को सीधे इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये सीधे इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है। आपने बैंक का चेक देखा होगा, उसके नीचे एक डिजिट लिखी होती है, चेक नंबर टाइप का, उसे कहते हैं ब्लैक अक्षरों में। तो उसे जब मशीन के अंदर डालते हैं तो वो सीधे उसे इनपुट करने के लिए इनपुट करते हैं, तो उसे वो रिकॉग्नाइज कर देता है, तो उसे MICR कहते हैं। बैंक चेक यदि आपने देखा तो उसके नीचे होता है MICR, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसे कहा जाता है। तो ये ICT से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें था, इसका उत्तर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर सी होगा, तो ये आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा था, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए चित्र मानचित्र तथा ड्राइंग को डिजिटल रूप में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी इनपुट इकाई है, इनपुट यूनिट है, एक होता आउटपुट एक होता इनपुट। इनपुट मतलब जो अंदर लेता, आउटपुट मतलब जो बाहर देता है। तो इनपुट इकाई कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए चित्र मानचित्र तथा ड्राइंग को डिजिटल रूप में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे कहते हैं स्कैनर। स्कैनर से आप किसी भी पेज को, फोटो को, चित्र मानचित्र को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हो। तो इसका उत्तर है स्कैनर। और कीबोर्ड भी इनपुट है, और जैसे प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो ऐसे आपको चीज़ों को समझना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था इसमें, जैविक पर्यावरण के घटक हैं, जैविक पर्यावरण के घटक इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी वनस्पतियाँ प्राणी और सूक्ष्म जीव, ये क्या हैं, जैविक पर्यावरण के घटक हैं। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करता है।
तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के भाग चार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 48 ए में इसका प्रावधान किया गया है। और आपको मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद 48 ए में क्या लिखा है। 48 ए में जो लिखा गया है संविधान का, उसमें ये लिखा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इससे जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया, तो इसलिए इसे अनुच्छेद 48 ए है। और अनुच्छेद 51 ए जी में भी प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 51 ए जी क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ये राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं होगा। तो अनुच्छेद 51 ए जी में लिखा गया है कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व ना होकर ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। लेकिन अनुच्छेद 51 ए में क्या रखा गया है, नागरिकों के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 को भाग 4 को, और इसे लिया गया था सोवियत संघ रूस के संविधान से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो अनुच्छेद 51 ए जी है मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 48 ए है राज्य का नीति निदेशक तत्व। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसने ऑप्शन नंबर ए दिया है जो कि गलत है, उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था इसमें, निम्न में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत इनमें से तापीय ऊर्जा प्लांट्स नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन था ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। और यह 1971 में बना था, इसकी शुरुआत कनाडा से हुई थी, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। ग्रीन पीस क्या है, एक हरित आंदोलन है, हरित शांति आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जो दुनिया में पर्यावरण के लिए काम करता है, एक प्रकार का एनजीओ है, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, तो ये आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसका उत्तर है बायोमास, तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा था, पर्यावरणविद के रूप में 2004 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। उत्तर है वंगारी मथाई। वंगारी मथाई एक महिला है जो कि केनिया की थी, और 2011 में इनका निधन हुआ, और ये काफ़ी पर्यावरण के क्षेत्र में प्रसिद्ध महिला थी। 2004 में इनको मिला था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इन्हें अफ्रीका में पेड़ की माँ भी कहते हैं, पेड़ की माँ के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं, और नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अफ्रीका की ये पहली महिला थी। मूल रूप से केनिया देश की थी, और 2004 में शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी है वांगर मथाई। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित हैं। सही उत्तर है 17, ऑप्शन नंबर डी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2015 में दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG के 17 गोल तैयार किए गए हैं, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। 2015 में इनकी शुरुआत हुई थी, 2030 तक इन्हें हासिल करना है। तो सतत विकास के 17 गोल हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके निर्धारित किए हैं, तो इन 17 गोलों को भी आप ध्यान में रख लीजिए, यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रोन्नत समन्वय और मानक निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे हम मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, खुले विश्वविद्यालय, कई नाम है, कई जगह दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन, कई जगह मुक्त शिक्षा यानी मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, कई जगह इसे खुले विश्वविद्यालय, इस प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इग्नू है, इसमें कई कोर्सेस हैं,
इसकी स्थापना 1985 में हुई थी संसद के एक्ट द्वारा, और ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के प्रमुख कार्य क्या हैं? जो भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो ये 1, 2, 3 तीन है इसके। तो पहला है भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, विश्वविद्यालयों का अनुदान उपलब्ध कराना, और तीसरा है विश्वविद्यालयों की स्थापना को सहमति प्रदान करना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन इसमें था, भारत का प्रथम पूर्णकालिक मुक्त विश्वविद्यालय था, प्रथम पूर्णकालिक ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली भारत का प्रथम पूर्णकालिक मुक्त विश्वविद्यालय है। और ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, तो ये भारत में खुलने वाला प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था। तो पहला मुक्त विश्वविद्यालय था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, जबकि प्रथम पूर्णकालिक मुक्त विश्वविद्यालय था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने में कौन सा या से केंद्रीय निकाय जुड़े हुए हैं या है? तो भारत में जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उनको मान्यता प्रदान करने में कौन सा या से केंद्रीय निकाय जुड़े हैं? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं मान्यता परिषद या राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, 1 और 2, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और दूसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं, इसमें पूछा गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए सन 2014 में किस समिति की स्थापना की गई थी? उत्तर है हरि गौतम समिति, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, पहले इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए 2014 में हरि गौतम समिति की स्थापना की गई थी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आखिरी क्वेश्चन है ये, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा या के तहत कौन से परिवर्तन जोड़े गए हैं? तो भारत में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में आपातकाल के दौरान, इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तो संविधान में संशोधन किए गए, तो क्या परिवर्तन किए गए, क्या जोड़े गए? शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बिल्कुल, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, तो इसमें ए तो 3 विकल्पों में दिया है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करना, ये गलत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य को जोड़ा जाना, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो एक ही बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन हल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। ये भाग 2 है, यदि आपने भाग 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन किया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है यूवर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप चैनल है यूवर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें गंगा प्रकाश वैश्विक नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज भी यूवर सिलेक्शन श्योर नाम से, आप उसे अवश्य फॉलो कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूवर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।